हेलो फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत ही आसानी से अमचूर पाउडर मिल जाता है, लेकिन आज हम घर पर ही अमचूर पाउडर बनाएंगे जो बहुत ही फ्रेश और प्योर होगा और मार्केट से भी बहुत ही सस्ते में ये अमचूर पाउडर मार्केट जैसा ही बनेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 4 कच्चे आम लिए हैं। तो सबसे पहले हम आमों को पील करेंगे। ये अमचूर पाउडर हम नए तरीके से बनाएंगे। यदि मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आमों को मैंने पील कर लिया है। अब हम इसका ऊपर का पल्प निकाल लेंगे और निकालने के बाद में हम इसके छोटे छोटे पीस करेंगे क्योंकि हम इसे ग्राइंड करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। तो इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब मैंने ये पॉलिथीन ली है। तो मैश किए हुए आम को हम इस पे डालेंगे। और इसे स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड करने के बाद में हम इसे धूप में सुखाने वाले हैं। तो देखिए, मैंने इसको चारों तरफ फैला दिया है। इसके ऊपर मैंने एक प्लास्टिक और लगाया है जिससे इस पर धूल मिट्टी ना पड़े। और अब हम इसे धूप में सूखने रखेंगे। तो ये सूख गया है और सूखने के बाद में देखो, ये बिल्कुल आसान तरीके से निकल रहा है। तो ये बिल्कुल आसान तरीके से निकल गया है। अब हम इसके छोटे छोटे पीस करेंगे। इन पीसों को हम डालेंगे ग्राइंडर में और इसे ग्राइंड करेंगे। ये आसानी से ग्राइंड हो जाएगा। तो मैंने ढक्कन लगा दिया है और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो देखो, ग्राइंड करने के बाद में ये बिल्कुल व्हाइट अमचूर पाउडर बना है। तो आपका भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, जैसा मैंने दिखाया है वैसा ही अमचूर पाउडर बनेगा। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। आप इसे 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं, इसे ज्यादा भी बना सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा ही बनाकर दिखाया है। तो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।